जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज़ कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहाँ तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल की को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता सारे देश को लगता है, कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। द ऑपोजिशन डज नॉट हैव एनी सॉलिड इशू विच दे वॉन्ट टू डिस्कस, फॉर विच द रूलिंग पार्टी इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन ऑल फोरम्स एंड इन ऑन द फोरम ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुँचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। विल यू टेक योर सीट? मैं बोल रहा हूँ, टेक योर सीट, बैठिए, एक बार बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, यह अमर्यादित आचरण नहीं है। यह हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। यह सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं,
और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से पत्र के द्वारा अखबार के माध्यम के द्वारा एक प्रमुख अखबार नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है और यह चुनौती प्लीज यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है, मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम, नो मैंने सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट, नो डोंट मेक इट, सुनिए प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, वन सेकेंड, माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से जा रहा हूं। नमस्कार। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मिस्टर अब्दुल बहाब प्लीज, नो मिस्टर अब्दुल बहाब, मिस्टर कार्तिकेय शर्मा प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। आज अंबाला और उसके आसपास के लोगों का लंबे समय से एक पेंडिंग मांग को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहाँ के युवा, वहाँ के व्यापारी, माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ है, जीरो आवर है, जीरो आवर के सब्जेक्ट पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो तो मैं सुन सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं, प्लीज आप बोले। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहाँ के